सच्ची कला लोक नाट्य है। अगर कोई मुझे पूछे कि गुजरात की पहचान क्या है, गुजरात की अभिज्ञा क्या है, गुजरात आप किसको कहते हैं कला के जरिए, तो मैं बेधड़क बोलूंगा कि भवाई ही गुजरात की अभिज्ञा है, भवाई ही गुजरात की ओळख है, भवाई ही गुजरात की आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें गुजरात है, गुजरात के लोग हैं, गुजरात की आम जनता है, गुजरात की सही प्रजा के विचार है, उनकी कल्पना है, उनका चिंतन है। Thank you.
भवाई में और नाटक में रात और दिन का फर्क है। जो भवाई है फोक डांस है, तो भवाई में लाइट नहीं है, स्टेज नहीं है, प्रकाश विकाश कुछ नहीं है, थिएटर भी नहीं है, और गाना बजाना सब जात से करते हैं। जो पात्र करता है वही गाता है, वही एक्शन करता है, वही नृत्य करता है, उसको नाम भवाई बोलते हैं। हमारे कोई आधार नहीं, जो देने वाला दे तो ले, नहीं दे तो नहीं। हमारी टिकट भी नहीं है, खुला मैदान, जिसको आना हो आओ और बैठो और देखो, दो या न दो। माकड़ी मानी गए एवं नाचो मारा देवता गुणों नो बना नाचो रे देव नाचो रे चोरे नाचो रे देव नाचो रे एवं नाचा नाचो रंग भरे हो भाई नायक वाले स्वधामना एला मंगल चार पूज्य साहब सुलक्षणा तो तब तक कांत कुमार लश्कर पादल चढ़े तो अस्थिनी मूर्ति ने सरकारी आप मारी माकाली मानी जाता तो हमारा गणपति ने ले तो हमने पूजा करना रंग बारा रे भोरनिया ब्राह्मण फोरसिया पूजा था क्या रे वसंत पंचमी ना दिवस फरी थी पूजो पूजा ताना फरे आलो मारा जिंदा भावन भगत पहला लोग हम जाते थे गांव में तो हम सामैया करते थे गांव लोग को सब मिलके और हम टोला वाले सामैया करके गांव में ले जाते थे और कुंभार पानी भरे गजा मशाल पकड़े हजामत करे चौकिया के लोग गादला माचा हमको दे दे रहे और अच्छी तरह से रात भर हम खेलते रहते भवाई। ये भवाई में तो ऐसा था गांव का हमारा पहला तो आलेरा लड़का वो तो आलेरा गाते लड़का शादी करके आता तो सालला लेने को भी हम जाते थे। अब सब गुगरा छोड़े 12 बजे आखिर रात दिन को 12 बजे गुगरा छोड़ देते हैं। ऐसी हमारी परंपरा से भवाई होती है। ये भवाई में तो सब लोग को मानते हैं कि हमारा वैसा काम होगा
तो आपके जाते रोज भवाई पहराएंगे, तो हम भी वो भी करते, तो पहला तो ऐसा मान था। जब देखूं तब लाल, लाली देखने में गई हो गई सब बातन में सरस अठारे महीने जन्म हुआ बंदा पूरा पराख। अरे अठारह महीने कोई ना जन्म कोई अठारे, तू कितने महीने जन्मा था? अरे वो तो नौ महीने जन्म। अधूरिया अधूरिया पीछा बैठ जा। चम अधूरिया, अठारह महीने तीन आदमी जन्मे। कौन कौन जन्मे थे? पतन की गादी ऊपर सोने की सिद्धराज, सिद्धराज और वीर अभिमन्यु, तीसरा और रण नवगण। आज तई जन्मया इनने सुसु कौन करे तन खबर जा? क्या किया? सिद्धार्थ सोलंकी जैने रुद्र मार बंधायो। एक दो टपरिया बनवाई, इसमें वो बड़ा हो गया क्या? अले रण नवगण क्या कड़ी कड़ी नवगण कुओ, जीवता ना हो तो मरता मुओ। एक दो खदुड़िया खुदवाई, इसमें वो बड़ा हो गया। अले वीर अभिमन्यु जाने सात कोठा नु युद्ध कयो, एवो वीर अभिमन्यु। अरे एक दो दोतरिये फेंके, इसमें वो बड़ा हो गया। आप बताओ तो आप कौन करे, पर तन तमे शू करे? मेरे जन्म के बाद, मेरे जन्म के बाद गामो गाम टांग पड़ा। पढ़िए पढ़िए पानी बिकाया, पड़ी के दान बिकाया, और मेरे जन्म के बाद हाइब्रिड आया। हाइब्रिड बात तो हाची हो, तुम्हारा जन्म पसिया बहुत दूध बात हाची। पहले आया मैं, मैं पीछे आवे चटकी मटकी। असाई काका ब्राह्मण होता, अभी शस्त्र शिवपुर ना, इमना हमारा पटेल गोर जजमन नु नातो हतो, एमा हमारा पटेल ने दीकरी हती। अब आ बादशाह वखत ना जमाना मा बादशाह भयू पर आशक्त हो, एले हमारा पटेल ने दीकरी ना घेर गई, एले असाई काका मान कथा नो धंधो करता, एले बादशाह खुश तो माग मागे आलू के भाई आ मारी दीकरी छे ने तमे छोड़ी मूको। ए के नहीं ये तो पटेल की दीकरी, नहीं के मा तमारी छे, મારી દીકરી છે, મારા જજમાન દીકરી, મારી દીકરી। એટલે ભેગું રસોઈ બનાવી, એટલે બે ભેગું જમ્યા, જમ્યા એટલે વટલણા, એટલે જ્ઞાતિ સમાજ બ્રાહ્મણોમાંથી બહાર મૂક્યા। એટલે અસાઈ ઠાકોર શું કરે, બહુચરા જઈ ગયા, સાત લગ્નો કરી, માં પ્રસન્ન થયા, સરસ્વતી માં બહુચર મારે, સરસ્વતી માં જીવન એવો છે, જા તો હું તારી સાથે છું, મંગળ આપી ચોલો કયો ચૂંડી ઓઢાડી ચૂડો પહેરાયો, અને કે જા જેટલા માર મહિનાના દિવસ એટલા વેશ બનાય, હું તારી સાથે છું।
એમણે ગંગાને ઉલુખાના જનાનખાનામાંથી છોડાવીને લાવ્યા પછી એમાળા પટેલની પાસે આવ્યા. એમણે એમાળા પટેલને કહ્યું કે હું તમારી દીકરીને છોડાવીને લાવ્યો, એમાં મને મારી સિદ્ધપુરની જ્ઞાતિએ મને નાથબાર મૂક્યો છે, એટલે હવે મારે શું કરવું? એમાળા પટેલે જવાબની અંદર એમ કહ્યું કે તમારે આખા પરિવારને પાલન પોષણ કરવાની જવાબદારી અમારી. એમ પછી અસાઈ ઠાકરે એમ કહ્યું કે હું એવી જાતની ભીખ લેવા માંગતો નથી, હું મારી કલાથી દરેકને ખુશ કરી અને તમારું ભરણ પોષણ સ્વીકારીશ. એટલે એમણે ભવાઈના વેશ લખ્યા અને એ ભવાઈના વેશની અંદર એમણે ગામડે ગામડે એ વેશ ભજવવાનું શરૂ કર્યું અને જે કડવા પાટીદારો હતા એમના ત્યાં દરેકના ત્યાં એમના આતિથ્ય માણવા માટેનો અધિકાર મળ્યો. એમાળા પટેલ કડવા પાટીદારના આગેવાન હતા, એમણે એ પ્રમાણેનો અધિકાર આપ્યો અને આજે પણ કોઈ કોઈ જગ્યાએ એ અધિકાર એમનો ચાલુ છે. એમના વંશ વારસો ભવાઈ ભજવે છે અને એમને ત્યાં આતિથ્ય માણવાનો અધિકાર મળેલો છે. હમારા બાપ દાદા ને બનાવી હોય ભવાઈ હમ બજાવતે હી. ત્રણ દિવસ સુધી રાત દિવસ ભવાઈ ચાલે, ચતુરા ચિત્ત ને ચોરીએ કરી અકાળ જાય. આગલી છોડો પાછલી છોડો, પકડો વચલી સારી, એ હરિહર ચકારે તો પદવી મળે ભાઈ. આવા આવા કહેવત છંદી ની વાર્તાઓ ચાલતી, ગામ વાળાઓનો રસ લેતા, બહુ સરસ લાગતું. પણ આ જમાનામાં જોનારે નથી અને કરનારે નથી, એ જમાનો પલટાઈ ગયો. પહેલા તો જોવાવે શાબાશ શાબાશ વખાણ કરે, 100 રૂપિયા 25 રૂપિયા ઇનામો આવતા. એ જમાનામાં બહુ પૈસાની કિંમત હતી, 1 રૂપિયો ગાળાના પૈડા જેવો, પણ 10-10 ને 15-15 રૂપિયા ઇનામો આવ્યું. 1 તોલાનું રોકેટ અને 1 તોલા તો મેળો મને બક્ષિસ માં હતો. આ જમાનામાં જોનારે નથી અને કરનારે નથી. Thank you.
बच्चे की बधाई गाने के लिए आए, उसका नाम हमारे में हल्लड़ा बोलता है, खुशी का प्रोग्राम बोलता है। जिसका घर बच्चा आए उसके घर हमको बुलाता है और हम इसका पेड़ी नामा लिखते हैं हमारे चौपड़े में। ये हमारी रोजी है। वो हल्लड़ा गाने के बाद जो घर वाला हमको दक्षिणा देता है, कोई 100 रुपया देवे, कोई 200 देवे, कोई 500 देवे और एक जोड़ ऐसा कपड़ा देता है। मेरे बच्चा तो तीन बच्चा है। फिर वो तीन बच्चा अभी ये धंधा नहीं करता है, क्योंकि जमाना रहा नहीं है। ये जमाने में ये औरत का कपड़ा पहनना और हमारे बच्चे को अच्छा लगता नहीं है और शर्म आती है। उसके कारण हम बच्चे को पढ़ाता है और दूसरा धंधा सिखाता है दूसरे, क्योंकि ये जमाने में औरत का कपड़ा पहने वो हमारे समाज में कोई कन्या देता नहीं है, उसका लगन नहीं होता है। फिर दूसरा धंधा कराते हैं, क्योंकि ये जमाना रहा नहीं है। टीवी आ गया, पिक्चर आ गया, हमारा धंधा चलता नहीं है, कि हमारी रोजी चलती नहीं, इसलिए हमारा पूरा नहीं होता है घर का। वो लोग ऐसा मानते थे कि भवाई धर्म से जुड़ी हुई है, इसमें लेडीज काम नहीं कर सकती, औरत नहीं। इतना माटे कि स्त्री में अनेक प्रॉब्लम, डिलीवरी आवे पची कई टाइम में हो तो ना करी सके, पाप लगे। आज पर हमारा धर्म में एवं छे गुजरातीओ में, हिंदुओ में, कि 5 दिवस सुधी मंदिर में न जवाय। तो आ लोग तो चुस्त भवैया अर्धा ब्राह्मण कहवाय नायक भाईओ, तो ये लोग स्त्रियों ने ना ले। I thought Baba is a very powerful form of not only telling stories but of intermingling and interdisciplines with the people. And so I thought that we could do new plays with the same format, but we were talking a lot about politics and so on. We did Leela, which was really the Leela of the political scene. And we could really laugh at a lot of the problems that India was facing through Bhavai. And people will take, through art people take a lot more than if you tell them directly. And Bhavai is a very good way because people talk and sing and act. And it always was like a play for a big mass of people. And so we brought in new subjects. Not, we didn't change the format, but we brought in new ideas, new thoughts about society. हम लोग जूठन करते हैं, जश्ना करते हैं, वो सब करते हैं। आज हम जूठन करेंगे। ओके, झंडा झुलन कर नहीं सकते क्या? नहीं, झंडा झुलन बहुत टफ वेश है और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ चिमन भाई बहुत अच्छी तरह से इमीजिएट कर सकते थे, वो हमारे गुरु हैं, वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस के बिना ये बहुत टफ वेश है, उसको करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए।
मिंदर बिन बबई नहीं होती है, मिंदर हो एक बबई में मशाल होना चाहिए, वो तो बबई है, चाचर है, देवो का रूप है, वो देवो के साथ में है वो बबई। घुंगोर, तबला, ये जो बजता है उसके साथ ये सपोर्ट में रहता है कि जो भवाई कला का जो नृत्य करने वाला है उसको ये सुन के उसको जोश मिलता है, उसको चमची बुला जाता है, और पिछला भाग है उसको गज बुला जाता है, और तीसरा है उसको फूल सर्पन कहा जाता है, और वो बीच में वो एरिया है उसको स्वर पेटी बोलते हैं, और तीनों का मिलन होता है तो उसको बुंगल कहा जाता है, और वो बुंगल भवाई में बसती है। हाँ, भुंगल बजाने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पुंपू पुं करने वाला ज्यादा है, अच्छी बजाने वाला कम मिलते हैं। और मॉडर्न भवाई जो रंगला रंगली करते ही और करते ही, वो गाते वाला जुदा उसके आकार बनाते कैसेट, वो कैसेट वागे और वो बजवे, वो मॉडर्न भवाई हो गए। और ये तन मॉडर्न भाई भी आप भी सिखा है ना? हाँ, हमने भी सिखाया, तो फिर वो गा नहीं सकते थे तो क्या करे, हम नहीं गा सकते, हमारी आवाज नहीं है, तो रैकेट बनाई हमारे पास, तो गाने वाले हम रैकेट में और बजने वाले वो कंठ बिना ने वो कपड़े पहन के फंसता है, वो मॉडर्न भाई दालिक हो रहा। पानी का बेड़ा भरे कुएं में चेतर बोले राम सीता का जोड़ा। अरे तरकड़िया, अरे तरकड़िया, कीतो भेजू माणिक मोती, कीतो भेजू मेवा, काची कलिया शेष बिछाऊ करू तुम्हारी सेवा, ता थाई थाई कर थाई ता। सेवा करके मेवा पाइए, सेवा करके मेवा पाइए, सुनती जा एक बात, चला पकड़ कर मैं पूछता हूँ कौन है तेरी जात। जात पिछीने शुकर तरकड़ा सांबर मुखनी वाणी, अरे जात पिछीने शुकर तरकड़ा सांबर मुखनी वाणी, अमे तो अमारू जानिए तू तरक हूँ ही नवाणी, ता थाई थाई का थाई का। नवाणी तू भले पिछाड़ी, हिंदवाणी तू भले पिछाड़ी, गाती हमको पिछड़ा तेरा लाल बंबोला, पिछड़ा तेरा लाल बंबोला, कभी न छोड़ू तुझको पंजा प्रश्नी है। व्यसनी हो तो जाने वेश्या बाड़े, हम कनेशु मांगे, हम अप्पा से बाल कुआरी पूर्णा कलंक लागे, ता थाई थाई का थाई सा। तुम अपवासक बंदा तबिया, तुम अपवासक बंदा तबिया, सब खुदा को दियो आड़े अवड़े राज छोड़ के चलो जंगल में रहिए। जंगल मातो सासू देखे ससरो देखे दियर बैठो मारे, जंगल मातो सासू देखे ससरो देखे दियर बैठो मारे, हिंदवाणी नी गरज हाल तो आओ पीलू गाए। पीलू गाड़ा पीछा रहा, पीलू गाड़ा पीछा रहा, अब आया परसाला, फलक हमारा तब हुआ तो धर्म अपना है न्यारा। जर नो जमकारो, कारू न्यारू मारू न्यारू, जात पात जाजर नो जमकारो, हिंदवाणी नी गरज हो तो आओ पीलू घाड़ो। सो 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 स्वास सुनो मनोहर, नंदन मारे फेरा, आड़े अवड़े राज छोड़ के चलो प्रभु का डेरा। जाता मीठू शंगार उनको जोइए, जो बनी उतो जाता मीठू शंगार उनको जोइए, आँख आजू अड़िया अड़ी में माथे घुटने जोइए। माथे तो मोबाइल जोइए, माथे तो मोबाइल जोइए, सेठे सिंदूर जोइए, नायक असाहित एम कहे के हम करवो जोइए भाई, हम करवो जोइए।
જ્યારે હું સૌથી પહેલા મેં વિનંતી કરી કે મારે ભવાઈ શીખવી છે તો બધાએ મને હુટ આઉટ કરી, નહીં તમે નહીં દામિની, તમે ભવાઈ પણ નહીં. મેં કીધું પણ મારો ગુનો શું છે, મને ગમે છે અને હું તમને પ્રોમિસ કરું છું કે હું જ્યારે ચોખ્ખી હોઈશ, એક તો હું અનમેરિડ છું અને હું જ્યારે ચોખ્ખી હોઈશ ત્યારે જ ભવાઈનું નૃત્ય કરીશ. એ લોકો નહીં માન્યા. 3 મહિના સુધી મેં એ લોકોની પગ પાસે બેસી અને હાથ જોડી જોડી અને મેં કહ્યું કે મને શીખવા દો, મને થોડું શીખવાનો, બહુ નહીં થોડું શીખવાનો, જૂઠમની આ ચટકી શીખવાનો, હું બીજું કોઈ વેશ નહીં, એકનો એક વેશ. તો એક નાયક ભાઈનું દિલ પીગળ્યું, એને એમ થયું કે ચલો શીખવાડો, પણ મને કહે કે તમે પ્રોમિસ કરો કે તમે શુદ્ધ હશો ત્યારે તમે ભવાઈ કરશો. મેં કીધું હા, અને આને કમાવાનું સાધન નહીં બનાવતા, આના ઉપર ધંધો નહીં કરતા. ભવાઈ એ દર્પણ છે, દર્પણમાં જોઈએ તો આપણું મૂઠું હોય, તો દાંત પડ્યો હોય, કોઈ થયું હોય તો જોવાથી થાય. એમ ભવાઈ જોવાથી એટલે મમ્મદ બેગડો, પહેલા મુસલમાની રાજો મમ્મદ બેગડાને બોલાવી ફતેહ રાજાને મરાયો. તો ભવાઈમાં હિન્દુ મુસલમાન ગાવે બજાવે ઓર કરે કવતાઈ, અમે ગાવાનું હારી નાચવાનું એ એક્શન કરીએ ઓર કરે કવતાઈ, દરેક પોમની નકલ કરીએ જાત મેં જાત સવાઈ. અમે દરેક મુસલમાન હિન્દુ જે વાણીઓ બ્રાહ્મણ દરેકની નકલ કરીએ, જે જૂઠનનો વે સમુસલમાન પણ એકતા, જંડાનો વે છે સમુસલમાન પણ હિન્દુ મુસલમાન એકતા ના દેશે. તો કુછ નહીં રહા હૈ, કલાકાર ભી નહીં રહા હૈ, કિસકે સાથ કામ કરના હમ અકેલે હૈ. આપને દેખા તો જંડા કા બેસ કરને કા ભાઈ જંડા કરને વાળા જ કોઈ નહીં હૈ, તો હમને તેજો કા બેસ નિકાલા. એસી બાત હૈ, હવે ભવિ મરને કો પડી હૈ, સરકાર જો કુછ કરે તો એ બેલેન્સ રખે કે એસા પહેલા જમાના મેં એસી ભવાઈ થી વો રહેગા, બાકી કઈ નહીં તો જમાના આયેગા, જૂના હોય વો કો જમાના આયેગા, ફિર ફિર કે સમય આ બનતા પલટાયેગા જબ ભવાઈ કા કામ આયેગા, કોઈ હાય ભવૈયા કોઈ હાય. માગે માગે બાવા રે ગગના રાજા આ માજી તને પ્રસન્ન થયો, માગો માગો એટલું રે વરદાને મારા મોલે પધારજો. રાજા આ માજી હવે મારશે.